अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्की तारीख में पहली मरतबा मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुफ्त आटे की फराहमी एक चैलेंज है, इंतज़ामिया और दीगर इदारे मिलकर मुफ्त आटे की फराहमी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर, सिक्योरिटी वापस लेने पर हुकूमत से जवाब तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि जब इंतजामिया गैर जिम्मेदाराना बयान देगी तो फिर क्या होगा। हुकूमत ने इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेकर गलत काम किया। इमरान खान ने राना सनाउल्ला के बयान से मुतालिक दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। असद उमर का कहना था कि अदलिया वजीर दाखिला राना सनाउल्ला के बयान का नोटिस ले। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला का कहना था कि अब इमरान या हम में से कोई एक बचेगा। भारतीय रुकन अमरीकी कांग्रेस की भी इमरान खान की हिमायत। रुकन कांग्रेस रोखना का कहना था कि पाकिस्तान में सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए। टेट ल्यू का कहना था कि पाकिस्तान में सियासी कशीदगी को पुलिस की बर्बरियत का बायस नहीं बनना चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खते गुरबत से नीचे अफराद को भी मुफ्त आटा फराहमी के लिए काम जारी है। मुस्तहिक अफराद को बार बार की तकलीफ से बचाने के लिए एक वक्त में 30 किलो आटा फराहम किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में आटे के मरकज़ का दौरा किया, जहाँ पर कमिश्नर रावलपिंडी ने उनको आटे के मरकज़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है, मुफ्त आटे की फराहमी एक चैलेंज है। वजीर आजम का कहना है कि जिन लोगों को 3 दिनों में आटे का एक थैला भी नहीं मिला, उनको 3 थैले एक साथ दिए जाएंगे। माजी में सब्सिडाइज आटा दिया जाता था, इस मरतबा मुफ्त आटा दे रहे हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बेशुमार जरूरतमंद लोग ऐसे हैं जो मेयर नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फहरिस्त में नहीं है। जो लोग इस प्रोग्राम की फहरिस्त में नहीं है, उनके लिए अलहदा काउंटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खत गुरबत से नीचे अफराद को भी मुफ्त आटा फराहमी के लिए काम जारी है। मुस्तहिक अफराद को बार बार की तकलीफ से बचाने के लिए एक वक्त में 30 किलो आटा फराहम किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतजामिया और दीगर इदारे मिलकर मुफ्त आटे की फराहमी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वकील सलमान सफदर ने बताया कि इमरान खान 18 मार्च को यहाँ आए थे, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत ना ले सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के खसूसी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्तों की समाअत की। इस मौके पर इमरान खान खुद जाती हैसियत में पेश हुए। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और इमरान खान के वकील के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की 7 मुख्तलिफ मुकदमात में हिफाजती जमानतें मंजूर करनी है। हाई कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट को क्यों बाईपास कर रहे हैं। वकील ने जवाब दिया कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स है। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए थे, लेकिन दाखिल नहीं होने दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ 18 मार्च को हुआ वो गलत था। इमरान खान कह रहे हैं कि उनको थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स का हमें मालूम है, उन पर हमला भी हो चुका है। हमारे मद्देनजर है कि आप मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबरा हैं जिनके फॉलोअर्स भी हैं। इमरान खान बात करने के लिए रोस्टरम पर आए, लेकिन अदालत ने उन्हें बात करने से रोक दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि उनको सिक्योरिटी हुक्काम से ताबुन करना चाहिए। ये 4-5 हज़ार लोग लाते हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दरवाज़ा तोड़ा गया, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल करें। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून से कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं जो जेन्युइन होंगे, उन पर एक मरतबा हमला भी हो चुका है। इमरान खान बतौर साबिक वजीर आजम के सिक्योरिटी के हकदार हैं। वो सिक्योरिटी तो साथ ही होती होगी, जिस पर फवाद चौधरी ने अदालत को आगाह किया कि इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। चीफ जस्टिस ने कि जब इंतजामिया गैर जिम्मेदाराना देगी तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान के किसी शहरी से मुतालिक क्या इंतजामिया ऐसा कोई बयान दे सकती है। इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं जो हकीकी होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के 7 मुकदमात में 6 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने कहा कि हुकूमत ने साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस लेकर गलत काम किया और इस हवाले से वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पेटिशनर अब इस्लामाबाद में है तो यहाँ सिक्योरिटी किसने देनी है। कबल अजी इमरान खान पेशी के लिए दारुल हुकूमत पहुंचे तो उनके काफिले को इस्लामाबाद पुलिस स्क्वाड ने हिसार में लेकर काफिले में शामिल दर्जनों गाड़ियों को रोक लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने गुलाम सरवर खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने PTI के मुतादित कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिनमें साबिक MPA चौधरी अदनान और इमरान खान का ऑफिशियल फोटोग्राफर नोमान जी भी शामिल हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए मुकदमात दर्ज किए गए। दरख्वास्त में अदालत से सदा की गई है कि 7 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए फरीकैन को दरख्वास्त गुजार की गिरफ्तारी से रोका जाए। इस मौके पर इमरान खान के वकील ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में 2 साबिक वज़ीरे आज़म कत्ल हो चुके, एक वजीर आज़म पर कातिलाना हमला हो चुका है। आज मैंने जमानत की 7 दरख्वास्तें दायर की हैं। जमानत की दरख्वास्तें 18 मार्च को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत चली गई थी। हमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वजीर दाखिला राना सनाउल्ला के बयान से मुतालिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वजीर दाखिला राना सनाउल्ला के बयान से मुतालिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने खुली वार्निंग देते हुए कहा था कि अब इमरान खान यहाँ में से कोई एक बचेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने मौकफ दिया कि राना सनाउल्ला ने एक इंटरव्यू में डायरेक्ट धमकियां दी हैं। फरीकैन को मेरी गिरफ्तारी करके अपने मंसूबे पर अमल दरामद से रोका जाए। दरख्वास्त में विफाक IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन को फरीक बनाया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। अनार्की फैल चुकी है। इमरान खान जिस तरह पर मामलात को ले गए हैं, अब या वो सियासत से मनफी होंगे या हम हो जाएंगे। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि अब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। राना सनाउल्ला ने कहा कि इमरान खान ने सियासत को वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। इसलिए जब हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफी हो रही है तो हम हर उस हद तक जाएंगे जिसमें ये नहीं सोचा जाता कि ये काम करें ये ना करें। ये जमहूरी है और ये गैर जमहूरी है।
ये उसूली है और ये गैर उसूली, ये चीजें खत्म हो जाती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि अदालत को वजीर दाखिला राना सनाउल्ला के बयान का नोटिस लेना चाहिए और राना सनाउल्ला के वजूद को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। असद उमर ने कहा कि मुकदमात की तादाद देख लें तो पता लग जाता है झूठे मुकदमात हैं और ये जान बूझ कर किया जा रहा है। मजमू तौर पर तमाम केसेस के हवाले से हमारी पटिशन तैयार हो गई है। सिर्फ इस्लामाबाद के 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्ला के खिलाफ सारे मुकदमात नैब के थे और नैब का सबको मालूम है हमारे दौरे हुकूमत में किसी पर मुकदमात नहीं बनाए गए। इंडियन अमेरिकन रुकन कांग्रेस रोखना ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंडियन अमेरिकन रुकन कांग्रेस भी इमरान खान की हिमायत में बोलने लगे। इंडियन अमेरिकन रुकन कांग्रेस रोखना ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए। ये हिमायत इंडियन अमेरिकन रुकन कांग्रेस रोखना की जानिब से समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान के जरिए सामने आई है। इंडियन अमेरिकन रुकन कांग्रेस रोखना का बयान में कहना है कि मैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। रोखना ने दावा किया कि बहुत से पाकिस्तानी अमरीकन्स ने सूरत हाल पर मुझसे इजहार तशवीश किया है। पाकिस्तानी अमरीकन्स इंसानी हकूक का एहतराम चाहते हैं। सहाफियों के कत्ल और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए। इंडियन अमरीकन रुकन कांग्रेस रोखना का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी अमरीकन्स इंसानी हकूक का एहतराम चाहते हैं। कबल अजी अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक रुकन टेड ह्यू भी अपने एक बयान में कह चुके हैं कि पाकिस्तान में सियासी कशीदगी को पुलिस की बर्बरियत, हिरासत में बदसलूकी या तशद्दुद का बाइस नहीं बनना चाहिए। इससे पहले डेमोक्रेट रुकन डॉक्टर आसिफ महमूद भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में सियासी इंतकाम का सिलसिला अपने उरूज पर है। इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में है। उनके हज़ारों कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तक जो कुछ नज़र आया वो सिर्फ एक झलक है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।